जो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का इम्कान 4% था, वो आज के बाद आपको क्या लग रहा है? सर आप न्यूजीलैंड के आखिरी मैच पे क्यों जा रहे हैं? हैं क्यों? आप दोनों मैच जीते सही है, और फिर वो भी तो दोनों हारे ना, एक हमसे हारे फिर श्रीलंका से हारे, तो पहुंचेंगे ना। एक में बारिश हो जाएगी ना, शायद भाई कहते हैं ना, एक में बारिश हो जाएगी लास्ट मैच। अच्छा तो चलो ठीक है, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी, टेंशन नहीं लेनी। तो ये कामरान भाई, ये इंडियन टीम तो यानी इस वक्त टूर्नामेंट की यानी ऐसी टीम है जो पकड़ में ही नहीं आ रही। आपने एक दफा कहा था कि अगर किसी टीम ने इसको पकड़ सकी तो साउथ अफ्रीका है, वरना तो कोई भी टीम नहीं। ये साबित कर रहे हैं वो तो कमाल ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस ये मैंने पहला वर्ल्ड कप देखा है जिसमें एक टीम नजर आ रही है कि इसको कोई हराने अलग से नजर आ रही है, अलग से नजर आ रही है, इनके करीब करीब भी कोई नहीं है। हाँ। तो अभी साउथ अफ्रीका के साथ मैच रहता है, तो मेरे ख्याल से दूसरी टीम आप साउथ अफ्रीका कह सकते हैं इस वर्ल्ड कप में, जो टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। बाकी टीमें तो कोई भी नहीं दे सकी, लेकिन अच्छी क्रिकेट। श्रीलंका जो फाइनल्स एशिया कप का था, ये फाइनल ही समझे आज, वैसे ही आउट हो गए। सिर्फ वेन्यू चेंज हुआ है, और वो डे में बैटिंग कर रहे थे, ये नाइट में बैटिंग, बॉलिंग सेम ही थी, गलती अपनी है। फिर वो जैसे न्यूजीलैंड टीम ने गलती की है, वही श्रीलंका ने की है। हमारे लिए अगेन उस लिहाज से बुरी खबर है कि अब जब श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ जाएगा तो और गिरावा होगा इतनी बुरी मार के बाद। देखिए वो डेफिनेटली एक न्यूजीलैंड के साथ खेलना, न्यूजीलैंड के साथ टफ टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो खैर हम तो वैसे ही इतनी मुश्किलों से पहुंच रहे हैं। लेकिन हमें अपने मैच सोचने चाहिए, सही है, अपने मैच अच्छे तरीके से फिनिश करें, जीते, बाकी फिर न्यूजीलैंड पे प्रेशर आएगा जब न्यूजीलैंड से हम लोग जीत जाएंगे। वो भी इस वक्त प्रेशर में है, उनका कॉन्फिडेंस जो स्टार्ट में था वो अब नहीं है, इंजरी भी है और प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो बस अपने मैच अच्छे करें, नेट रन रेट के साथ फिनिश। अजर भाई इंडिया की टीम पहली सेमीफाइनलिस्ट हो गई है, आपको लगता है कि इंडिया फाइनल भी खेल रहा है इस वक्त इस फॉर्म में? नॉकआउट स्टेज पे जाके यू नेवर नो। अच्छा भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी वो मजहर अरशद ने बताया, मैं शायद एग्जैक्टली सही कोट ना भी कर रहा हूं, तो पिछले तीन वर्ल्ड कप्स में जो 24 मैचेस खेले इंडिया ने, 24 उसमें से खाली 3 मैचेस हारी है, उसमें से 2 सेमीफाइनल है। मतलब जब आपको नहीं हारना होता है तब हार है। तो नॉकआउट में जाके यू नो आपके जैसे अक्सर हम बात करते थे इंडिया के टॉप ऑर्डर की, अब तो इनका काफी बैलेंस बेहतर है उससे भी ज्यादा। पहले ये होता था इनका टॉप ऑर्डर पूरे वर्ल्ड कप में स्कोर करता था, सिर्फ सेमीफाइनल या फाइनल में जाके आउट होता था। आई थिंक वो बहुत मैटर करता है कि आप सेमीफाइनल जब आप वो मैच हारे तो आप बाहर, आपके पास दूसरा चांस कोई नहीं है। ऐसे तो अगर आपका उसी दिन बुरा दिन हुआ तो आप वर्ल्ड कप जितना मर्जी आपने इतना जीतने के बाद वैसे भी एक हार ड्यू हो जाती है अच्छी टीम की, नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, और मुझे लगता है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट शायद हो जाए, अगर इंडिया के लिए शायद अच्छा ही हो गए, जो ताकि सेमीफाइनल सेट हो जाए दोबारा। ये मजहर अरशद साहब इंडिया के पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं, मैं बड़ा उनके मद्दा हूं। लाएंगे भी सामने, उन्हें बिठाएंगे, उन्हें लाएंगे मजहर भाई के, लेकिन वो बड़े अच्छे सेमीफाइनल सेमीफाइनल खेल रहे हैं। लेकिन इस बार जो इंडिया की टीम है, खैर तो आपको गुस्सा उस्सा आ रहा है मजहर भाई? नहीं, मतलब आपने ऐसे की मुझे लगा आपने पता एड्रेस चाय मांगी तो उन्होंने पैसे मांग लिया मजहर भाई ने, बासित भाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करवा। इस वर्ल्ड कप में देखें इंडिया की जो पीछे जितने वर्ल्ड कप हुए ना, कहीं ना कहीं कोई एरिया वीक होता था, चाहे मिड ऑर्डर हो जाए या टॉप ऑर्डर। इस बार आप देखिए ओपनर से लेके नंबर 7 तक इनकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में है, सही है, और रन्स करते हुए आ रहे हैं, और प्रेशर में बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि टेक्निक अच्छी है, मुश्किल कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से असेस कर लेते हैं। इंजर्ड होता है तो शामी को लाते हैं, तो वो 3 मैचों में 14 विकेट ले लेते हैं। मतलब ये कोई क्या है भाई, ये एक प्लानिंग है, एक तैयारी है वर्ल्ड कप में। स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं वो ये है ना, ये आप लाएं, उसने 5-4 विकेट ले लिए। आपने देखा गिल से रन नहीं हो रहे थे, अय्यर से रन नहीं हो रहे थे, आज उन्होंने भी रन। अय्यर ने 106 मीटर लंबा छक्का मारा है, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छक्का मारा है। मतलब ये